लिंक पोस्ट नहीं है किया? अभी कर देते हैं लिंक पोस्ट। लिंक पोस्ट करने में क्या टाइम लगेगा? ठीक है चलिए, आ जाने दीजिए सबको। हाँ जी, इशिका वत्स, आवाज आ रही है बच्चे क्लियर? ठीक है। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। कट रही है। वेट अ मिनट, आवाज ऐसे कैसे कट रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। यश चेक कर लीजिए जरा। यस सर। ठीक है भाई, ओके। एम आई ऑडिबल क्लियरली? ठीक है। 48, दक्ष फोगाट आ गए। सक्षम सिंह, आर्नव सिक्का, असद, नव्या, मयंक प्रधान, सक्षम कौशिक, भरत सिंह, आरुषि उपाध्याय, दक्ष फोगाट आ गए। चलिए भाई, लास्ट क्लास में हमने रीजनरेशन किया था, और रीजनरेशन एज वी स्टडीड अबाउट द रीजनरेशन, रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है आपका, तो प्लीज एक इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि वाई रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन और है, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कि वाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कांट रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं होता? ये दो क्वेश्चन जो हैं रीजनरेशन से काफी कॉमनली बनते हैं, और रीजनरेशन का एग्जाम्पल भी याद करना है, विच ऑर्गेनिजम्स पॉजेसेस रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जनरली प्लेनेरिया और हाइड्रा में आपने बता दिया होता है। दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन क्यों नहीं होता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम जो एसेक्सुअल मोड ऑफ सर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक बार हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जैन। मैंने लास्ट क्लास का, जब आप यस पीडीएफ सर। पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन है, और नहीं होगा तो मैं आपको लिख दूंगा इसमें, है ना? तो मेरी बात बिल्कुल सुनिएगा सर। बच्चों, हाँ मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था। सबसे फर्स्ट फर्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा पढ़ा है आपने? फिजन, है ना? फिजन याद है सबको? फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इज इट ओके? है ना हरलीन? मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल बताएं जरा मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल बताएं, कौन से ऑर्गेनिज्म पॉजेस करते हैं मल्टीपल फिजन से, रिप्रोड्यूस कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? हाँ जी हरलीन, अगर कोई बोल नहीं पा रहा है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि किसी वजह से नहीं आप अगर बोल पा रहे हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में जरा ड्रॉप कर दीजिए मैसेज। मल्टीपल फिजन आप सब लोग कर सकते हैं। आरुषि वर्मा, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा मल्टीपल फिजन किसकी किस ऑर्गेनिजम्स में होता है। ध्यान से चलिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया है। प्लाज्मोडियम में होता है सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, प्लाज्मोडियम में होता है, जिन लोगों को नहीं पता ध्यान से याद रखिएगा। तो पहले सबसे पहले फिजन पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द फिजन, देन आफ्टर फिजन वी स्टडीड अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन? फिजन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर में होता है। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने रीजनरेशन पढ़ा। रीजनरेशन आपको पता है कि एक्सीडेंटली कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट अगर लॉस हो जाता है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, तो वो पार्ट जो है ना ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर जाता है। जैसे आपकी स्किन रीजनरेट करती है, जैसे आपके नेल्स रीजनरेट करते हैं, जैसे आपके हेयर्स रीजनरेट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी कुछ पार्ट्स जो है वो रीजनरेशन शो करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए वो रीजनरेशन शो नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया बडिंग। अब बडिंग से आप देख पा रहे हैं, जो आपके सामने डायग्राम है, ये नेचुरल एक डायग्राम है हाइड्रा का। हाइड्रा कुछ ओरिजिनली आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, और ऐसा तो आपने बहुत देखा होगा डायग्राम्स में, है ना? तो ऐसे डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी की बुक में है, और ये ओरिजिनल फॉर्म में बता सकता हूं आपको। तो होता क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक पार्ट है, यहां से बडिंग का मतलब समझिए। बडिंग का मतलब क्या समझिए, यहां पे ना इस पोर्शन पे देख रहे हैं आप, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? रिपीटेड सेल डिवीजन।
रिपीटेड सेल डिवीजन, रिपीटेड सेल डिवीजन जब किसी भी पार्ट पे होगा, एक्सेसिव ग्रोथ अगर कहीं होगी तो क्या होता है, अगर यहां पे रिपीटेड सेल डिवीजन होना शुरू करे तो क्या हो जाएगा, एक और फिंगर निकल के आ जाएगी आपकी। कहीं भी अगर रिपीटेड सेल डिवीजन होता है तो वो पार्ट जो है ना वो एक्सेस में ग्रो करने लगता है ना। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर जैसे ही यहां रिपीटेड सेल डिवीजन होता है तो व्हाट विल हैपन, वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। देखिए थोड़ा सा बड निकला, इसको बड बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बड। एक बड जो है वो छोटा सा ग्रो करता है और बर्ड फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पूरा डेवलप हो जाता है और फाइनली वो अपने आप को डिटैच कर लेता है। ठीक है, फाइनली डिटैच, यहां पे डिटैचमेंट हो गया है आपका, आपका नहीं हुआ है, हाइड्रा का हो गया है, डिटैचमेंट हो गया, दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गए यहां पे। देखिए आप, एक जो पेरेंट बॉडी है और एक जो ऑफस्प्रिंग है, दो ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज बड। ठीक है, दिस इज बड, ठीक, ओके, व्हिच देन डिटैचेस बिकम्स न्यू ऑर्गेनिजम्स, इट इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, एक बड निकलता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और अपने आप को डिटैच कर लेता है। ठीक है जी, अब ये होता कैसे, क्वेश्चन यहां से अराइज होता है हाउ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा आपको कि हाउ बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, तो उसका आंसर ये वाला है। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, और जो पीडीएफ मिलेगा आपको गूगल क्लासरूम पे उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा ही आपको, हाउ बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। टू मार्क्स में अगर आ जाए तो आपको ये लिखना है और ये डायग्राम बनाना है, टेक प्लेस इन हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे हो रही है यहां पे, ये डायग्राम देखिए आप, ये ओरिजिनल डायग्राम है हाइड्रा का। हाँ जी, इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सर ये बड यहीं से क्यों निकला, यहां से क्यों नहीं निकला, यहां से क्यों नहीं निकला, कहीं से भी निकल सकता था ये भाई, जहां पे रिपीटेड सेल डिवीजन होगा ना, मैंने कहा यहां रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ तो यहीं पे बड बना है ना, उसने यही बोला है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, कौन बना, बड बन गया। ठीक है, एट वन स्पेसिफिक साइट, और एक स्पेसिफिक साइट पे ये बनता है। ठीक है, इज इट ओके, इतना क्लियर है आपको। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, फिर ये बर्ड जो है ना धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं, है ना, टाइनी इंडिविजुअल, डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, एंड व्हेन फुली मैच्योर, और जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और फिर अपने आप को डिटैच कर लेता है। सबसे पहले अ बड डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, एक बड डेवलप होगा रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से, उसके बाद वो टाइनी ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू करेगा, व्हेन इट बिकम्स फुली मैच्योर इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। इज दैट क्लियर, हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको बडिंग का, एक ऑर्गेनिज्म और है जो बडिंग को फेवर करता है। हाँ जी सर, बोलिए बेटा, से ज्यादा जगह पे नहीं हो सकता मल्टीपल वो सेल डिवीजन। हाँ, अभी अभी बता रहे हैं आपको, वो चेन बडिंग होती है, हाइड्रा में एक ही स्पॉट पे होता है, हाइड्रा के अंदर इतना ही न्यूट्रिशन होता है कि एक ही स्पॉट पे होगा, एक साथ दो तीन स्पॉट पे नहीं हो सकता है। ठीक है, इज इट ओके, और रेयर चांस में बहुत अगर कभी ज्यादा कोई रेयर चांस हो तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा स्पॉट पे हो जाए, लेकिन जनरली एक सिंगल स्पॉट से ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल बडिंग बोलते हैं इसको। एक और टाइप की बडिंग होती है जिसको हम चेन बडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन बडिंग। ठीक है, हाँ, बडिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन चेन बडिंग, चेन बडिंग, चेन बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, सॉरी टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट देख रहे हैं आप, ये देखिए एक बड ग्रो किया है यहां पे, उसके बाद एक और, उसके बाद बर्ड के ऊपर बर्ड 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 बर्ड, बहुत सारे बर्ड है ना, तो बर्ड्स बहुत सारे बर्ड डेवलप हो गए हैं, और ये ईच बर्ड जो है ना, ये जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, मल्टीपल बर्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चेन बडिंग, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। हाइड्रा में तो एक बर्ड से एक ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा था, ईस्ट में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ दोनों के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, डायग्राम में देखिए इन कुछ पार्ट को टेंटेकल्स बोला जाता है, हाइड्रा में ये वाले जो पार्ट है ना बेटा,
इनको टेंटेकल्स बोला जाता है। कई बार डायग्राम अगर आ जाए तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और ये फुल्ली मैच्योर बर्ड है, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, ये टेंटेकल्स हैं इसके और ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। उसके बाद आपको ये अपने आप को क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रा में सिंपल बडिंग होती है, ईस्ट में चेन बडिंग होती है। तो मैं बता देता हूं यहाँ पे चेन बडिंग। इन ईस्ट अ स्मॉल बर्ड अपीयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। देख रहे हैं आप, पेरेंट बॉडी के अपर पार्ट में यहाँ पे आप देखिए ये डेवलप हो गया है। ठीक है, ओके। दिस बर्ड ग्रो इन साइज, थोड़ा बड़ा बनता है। फ्रॉम दिस बर्ड, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना बेटा, न्यूली बडेड सेल अनदर बर्ड अपीयर्स एट द टिप। इस छोटे बर्ड के ऊपर एक और बर्ड डेवलप हो जाता है। कहते हैं यार, जब मेरे से पीछे वाले ऑर्गेनिज्म एक बर्ड बना ले तो मैं भी बना लेता हूँ, फिर उससे वाला एक और बर्ड बना लेता है, एक और बर्ड बना लेता है। और इन दिस वे चेन बडिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट। तो ईस्ट में एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो दिस ड्यू टू दिस प्रोसेस सम ईस्ट सेल रिजल्टिंग इन नंबर ऑफ ईस्ट सेल। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर ईस्ट में हमेशा ही चेन बडिंग होती है। समटाइम्स, हमेशा नहीं, कई बार तो सिंगल बर्ड भी बनता है और समटाइम्स चेन बडिंग भी हो जाती है। तो यीस्ट जो है वो सिंगल बडिंग से भी, सिंपल बडिंग से भी रिप्रोड्यूस करता है और समटाइम्स उसमें चेन बडिंग भी होता है। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम चेन बडिंग होगी, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है बच्चों, सर ज्यादातर इतना क्लियर है? ज्यादातर कौन सा होता है? चेन बडिंग होता है ज्यादातर। ठीक है, चेन बडिंग समटाइम्स लिखा हुआ वैसे तो यार इसमें, ठीक है, लेकिन चेन बडिंग ज्यादा होता है यीस्ट में, चेन बडिंग होता है। यीस्ट बहुत जल्दी से ग्रो करता है आपका। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चेन बडिंग इसमें होता है और हाइड्रा में सिंपल बडिंग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और यहां से आ जाता है आपके लिए। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बडिंग इन, बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में जो बडिंग होती है उसमें एक डिफरेंस आपको बता देना है। बता देंगे आप लोग? क्लियर है भाई, बडिंग आपको क्लियर हो गया है ना? बडिंग में क्या होता है, देखो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन तो एकदम से अचानक ही फुली मैच्योर हुआ, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। बडिंग में आपको लगेगा कि हाँ बडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बडिंग स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसके बाद अपने आपको डिटैच कर लेता है। फ्रेगमेंटेशन में आपको पता नहीं चलेगा, फ्रेगमेंटेशन में तो जैसे वो फुली मैच्योर हो जाएगा ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन शॉर्ट प्रोसेस है, बडिंग जो है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नोट कर लिया ये? हाँ, बडिंग इन ईस्ट का एक एग्जाम्पल ये भी है। बडिंग इन ईस्ट में देखिए इस तरीके से बडिंग होती है, फिर बड बड के ऊपर बड होता चला जाता है। यहाँ सिंगल बडिंग दिखाई गई है इसके अंदर, तो बडिंग इन ईस्ट का डायग्राम यहाँ पे है, ये आपके लिए ओरिजिनल है, ये जो माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं ना वो वाला डायग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना बच्चों, वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। यार स्पोर फॉर्मेशन जो है ना उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्पोर फॉर्मेशन से दो तीन क्वेश्चन बन रहा है, एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ है स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन काफी है इसमें। तो होता क्या स्पोर फॉर्मेशन में, डायग्राम बता देता हूं पहले आपको। यहां से देखिए, एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं तो यहां से डेवलप फिलामेंटस होता है, ये देखिएगा फिलामेंटस है, यहां से ये फिलामेंट बन गया आपका। पूरा फिलामेंट बनने के बाद ये स्पोर केस है, इसको स्पोरेंजियम बोला जाता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस सेल्स बार 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 माइक्रोस्कोपिक सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में होते थे ना, मल्टीपल फिजन में होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और फाइनली जब ये पूरी तरीके से फुल भर जाता है तो क्या होता है, हवाएं चल रही है, वाटर है या कोई ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आके बैठ गया, तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंट या एयर से या किसी भी चीज से पूरा प्रेशर फुल हो गया है, तो जिसकी आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है। और ये देखिए आप, दिख रहा है आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दे स्टार्ट ट्रेवलिंग इन टू द एयर। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा हवा में बहुत छोटे छोटे रेड येलो कलर के पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं स्पोर्स। ठीक है,
तो एक और डायग्राम दिखा देता हूं अभी आपको, मैं पूरा नहीं बताई, ये देखिए इससे ज्यादा और क्लियर आपको नजर आ सकता है। तो इस तरीके से पूरा डेवलप हो जाएगा। ये जो लोअर पार्ट होता है ना, इसको हाइफा बोलते हैं, हाइफा, ये वाला पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हाइफा, ठीक है। ये फिलामेंट है और ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स का, धीरे 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 धीरे, और फाइनली क्या होगा, वो बर्स्ट अप हो जाएगा, बर्स्ट होके हवा में उड़ेगा। ये एक तरीके से ना सीड्स का काम करते हैं, बीज होता है ना, जैसे सीड्स का काम करते हैं, हवा में उड़ जाते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। अभी सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो दे बिहेव लाइक अ सीड्स, है ना, जहां भी गिरेंगे अगर उनको मॉइस्ट लैंड मिल गया है, बढ़िया जमीन अच्छे से मिल गई है, तो दे विल ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। और अगर किसी कार की छत पे गिर जाता है, रोड पे गिर जाता है, तो फिर बेचारे का कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है वो यूनिट, ठीक है। अब सुनिएगा, अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक मैंने सिंपल आइडिया दे दिया है आपको कि होता क्या है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है जी। जो पेरेंट प्लांट होता है, हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। माइक्रोस्कोपिक मींस जो नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं हम बच्चों, स्पोर्स बोल रहे हैं। तो देख रहे हैं स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्पोर्स है, ये वाला पोर्शन, देख रहे हैं स्पोर्स, समझ रहे हैं बच्चों, इज दैट क्लियर, हाँ जी। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे यही समझ में आया कि स्पोर्स क्या होते हैं। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूज बाय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोपस और कॉमन ब्रेड मोल्ड। अच्छा, ये यूनिसेल्यूलर में भी होता है और ये मल्टी सेल्यूलर में भी होता है, दोनों में होता है ये। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्पोर फॉर्मेशन अगर कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो वो कौन सा होगा, राइजोपस और कॉमन ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है। और अगर मल्टी सेल्यूलर में रहेगा तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फॉन्स एंड मॉसेस, फॉन्स और मॉसेस के अंदर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन फिर मैं एक और बना देता हूं आपके लिए। नेम द यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, नेम द यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रहेगा, मल्टी सेलर में कौन है बच्चों, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस, एंड इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर राइजोपस, कॉमन ब्रेड मोल्ड या म्यूकर, एक और ऑर्गेनिज्म है म्यूकर। ये सब जो है दे रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इज इट ओके, एम आई ऑडिबल भाई, आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर, यस सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन आपको ये समझ में आया, सबसे पहला तो ये है कि स्पोर्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है। फिर आपको एग्जाम्पल याद करना है स्पोर फॉर्मेशन में, द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, हो जाएगा दोनों का क्वेश्चन, नोट कर लिया आपने, प्लीज रीड कर लीजिए इसको। सॉइल पे उग सकते हैं, वेट अ मिनट प्लीज, क्या कह रहे हो, दोबारा दोबारा बोलो। स्पोर्स कोई से भी सॉइल पे उग सकते हैं, एनी टाइप, यू आर आस्किंग अबाउट द एनी टाइप ऑफ सॉइल। बेटा एनी टाइप ऑफ सॉइल की बजाय आप ये कह सकते हैं कि इफ दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में आता है मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर हो, पानी हो, तो ऐसी सॉइल के अंदर ये इजिली ग्रो कर जाता है ना। कोई सी भी सॉइल नहीं, कोई सी मतलब एनी टाइप ऑफ सॉइल नहीं, द सॉइल विच इज हैविंग मॉइस्चर इन इट, अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो वो ग्रो कर जाएगा। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है आपको, है ना। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट चलिए आगे बेटा, इज इट ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपको डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं हाइफे,
ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाइफे होते हैं, ये स्टेम होती है, फिलामेंटस स्टेम है ना, दिस इज फिलामेंटस स्टेम, ये स्टेम है फिलामेंटस स्टेम, ये स्टेम होती है, ये स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम, ये जो पूरा कवर है ना बच्चों, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो है ना ये होते हैं स्पोर्स, क्या होते हैं बच्चों स्पोर्स, और ऊपर वाली जो कवरिंग है ना, द कवरिंग इज नोन एज स्पोर केस, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पोर केस, पूरा का पूरा स्पोरेंजियम है और ये स्पोर केस, जैसे मोबाइल का मोबाइल केस होता है ना, स्पोर केस कवर है ना, ऐसी स्पोर केस होता है ये, क्योंकि अगर ये स्पोर केस नहीं होगा तो फिर स्पोर्स तो बेचारे ऐसे बायफर्केटेड है ना, वो तो ऐसे उड़ते जाएंगे हवा में, पहले उनको मैच्योर तो हो जाने दो एक इस कवरिंग के अंदर, ठीक है। चलिए सर, फिर स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्पोर्स प्लस ये कवर, ये जो पूरा जो आपको ग्राउंड राउंड दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा स्पोरेंजियम है, ठीक है। जैसे सेल है ना, पूरा सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन उसकी कवरिंग होती है, तो दिस इज लाइक स्पोरेंजियम, ठीक है। पूरा ये स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम, ठीक है बेटा, ये स्पोरेंजियम, ये पूरा स्पोरेंजियम, ओके। उसकी कवरिंग जो है ना, वो कवरिंग से स्पोर केस का पार्ट है, हाँ स्पोर केस उसका पार्ट है, उसकी कवरिंग है, स्पोर केस इज द कवरिंग, इज इट ओके, इतना क्लियर है आपको। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना यार, देखो सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे स्पोरेंजियम में स्पोर केस होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल के अंदर, हाँ जी बेटा। सर इनका बर्स्ट होने को स्पेसिफिक टाइम होता है या ऐसे हो जाती है? हाँ, जब पूरा, हाँ बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, जब पूरा का पूरा स्पोरेंजियम स्पोर केस पूरा फुली फिल्ड हो जाता है ना इसका, और फिर पे होता है ये स्पोर केस बड़ा ही सॉफ्ट होता है ना, एयर हवा चल रही है, वाटर बारिश वारिश आ गई तो आपने देखा होगा, और या कोई ऑर्गेनिज्म आया आपका, ठीक है, सपोज कोई बर्ड है उड़ता हुआ आया, और बर्ड के जो पैर होते हैं थोड़े से नुकीले टाइप होते हैं, वो भी लग गया उसके अंदर, तो उस टाइप उससे वो बर्स्ट अप हो जाता है, ठीक है। जब तक वो मैच्योर नहीं होगा ना, जब तक उसकी वो जो कवरिंग है ना वो सॉफ्ट नहीं होगी, बड़ी हार्ड रहती है जब तक वो मैच्योर नहीं होगा। जब वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसके ऊपर एयर वाटर और एक्सटर्नल एजेंट्स अगर थोड़ा सा भी कुछ बैठेंगे या कुछ काम करेंगे तो वो बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके, ठीक है। इज इट ओके? चले बच्चों आगे चलते हैं। अब सुनिए स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन स्पोर फॉर्मेशन को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। हाँ, मैं बता देता हूं, देखिए क्या होता है। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द फंगल हाइफे, ये फंगल हाइफे है, इससे एक ऑर्गेनिज्म, इससे एक पूरा डेवलप हो गया है स्पोरेंजियम, इस फंगल हाइफा से स्टेम के थ्रू होता हुआ एक स्पोरेंजियम डेवलप हो गया, पहली लाइन में ये बोला उसने, ठीक है। क्या डेवलप हो गया है बच्चों, स्पोरेंजियम, कहां से, फंगल हाइफे, फंगल हाइफे ये रूट्स टाइप स्ट्रक्चर है इसका। द न्यूक्लियस डिवाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होता है, स्पोरेंजियम बन गया, न्यूक्लियस का डिविजन स्टार्ट हो जाता है यहां पे। द न्यूक्लियस डिवाइड रैपिडली, बच्चों ध्यान से सुनना, nucleus divides rapidly several times within the sporangium and each nucleus with a bit of cytoplasm develops into a spore. ये कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि प्लाज्मोडियम में होता था, है ना। यहां पे इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिविजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म की छोटी 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 कवरिंग है उसके ऊपर है। सपोज ये कोई स्पोर है बच्चों, सपोज दिस इज अ स्पोर, और ये स्पोर है कोई, और उसके ऊपर ये कवरिंग हो गई आपकी हल्की सी, ये कवरिंग हो गई है ना, साइटोप्लाज्म की कवरिंग है उसके ऊपर, ताकि वो जब एयर में जाए तो न्यूक्लियस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए एयर के, क्योंकि न्यूक्लियस अगर आ गया तो न्यूक्लियस फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये साइटोप्लाज्म जो है ना उसको बचा के रखता है ना। वेन स्पोर केस बर्स्ट, अब स्पोर केस जब बर्स्ट होता है, देन द स्पोर स्प्रेड्स इनटू एयर, और एयर में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं हवा में, ठीक है। अब हवा में चले गए, ये जो स्पोर्स है ना, दे बिहेव लाइक द सीड्स, बीज की तरह काम करेंगे, ओके। हाँ, व्हेन दीज एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड्स ऑन फूड, फूड मींस सॉइल, ठीक है जी, यानी कि जहां से उसको न्यूट्रिशन मिले, अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन देखिएगा क्या होती है इसके लिए, लाइक डैम एंड वार्म कंडीशन, डैम यानी कि मॉइस्चराइज लैंड और थोड़ी सी हल्का सा वार्मनेस हो, ठीक है, तो वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। ज्यादा ठंड होगी ग्रो नहीं कर पाएगा।
दे जर्मिनेट, जर्मिनेट करते हैं एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अगर ये किसी सॉइल पे जाके गिर गया और वहां पे थोड़ा सा उसको हीट मिल गया और थोड़ा सा मॉइस्ट लैंड है तो इट विल ग्रो एज ए न्यू इंडिविजुअल। लेकिन अगर किसी कार की छत पे गिर गया, कहीं रोड पे गिर गया तो इट विल नॉट ग्रो, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिली नहीं। जर्मिनेट कैसे करेगा? और जब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लीज इसको एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन स्पोर फॉर्मेशन करेंगे तो ये डायग्राम बनाना है विद लेबलिंग आपने, ठीक है? प्लीज टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट एक बार रीड कर ले इसको। सर इसके नोट्स कहां पर मिल जाएंगे? ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये वाले नोट्स या रिप्रोडक्शन के नोट? रिप्रोडक्शन की हार्ड कॉपी तो मिल गई होगी आपको सर, ये वाले जो आप लिखवा रहे हो ये मैं लिखवा रहा हूं, ये गूगल क्लासरूम पे मिलेगा आपको। मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूं क्लास के बाद और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर, अभी नोट करना है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, और बस अभी और नोट नहीं करना है, बस इतना ही ठीक, बस रीड कर लो, नोट नहीं करना है, रीड कर लीजिए एक बार। नोट तो फिर आपको होमवर्क नहीं करना होगा ना, अभी ऐसे ही बताया है। हाँ नोट से ही तो बता रहा हूँ यार मैं। सर जो आपने 2 फाइल्स भेजी है सर, वो टेस्ट की चैप्टर 4 की, उसमें सर किसमें से हैंडल करना है, कमिट किसमें से करना है? एक बार मैं बाद में बात करूंगा आपसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कॉल करके पूछिएगा मेरे से, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं आप? चलिए अब एक और डायग्राम मैंने बता दिया, थोड़ा सिंपल सा डायग्राम, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, क्या क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ जी, व्हाट हाउ ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड। हाँ जी जा रहे हो? ठीक है मयंक, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू, क्वेश्चन नोट कर लेना, स्पोर फॉर्मेशन इज बेनिफिटेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूछ रहा है, आधे लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। अच्छा अब ये कह रहा है कि इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है कि जी ये स्पोर्स जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, दे आर मूविंग इन द एयर, इन एयर, इन द एयर, दे आर डांसिंग इन द एयर, है ना जी, इन एयर। अब व्हाट विल हैपन, होता क्या है, लेट सपोज कि इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, और ये स्पोर जाके यहां पे चला जाता है, ठीक है? विल इट बी एबल टू ग्रो, क्या ये ग्रो करेगा इस कंडीशन में? बताएं भाई और बहनों, जल्दी बताइए, क्या ये ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? तो क्या करें हम? अब ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, सपोज ये 2-3 आवर्स के लिए यहीं पर रहता है, तो आप कहेंगे सर अगर ये, इसका बेनिफिट क्या है अगर ये यहां पे गिर गया, ठीक है, अगर ये यहां पे गिर जाता है, हाँ, तो विल इट बी एबल टू ग्रो, क्या ये ग्रो करेगा? हाँ जी नहीं करेगा, है ना? हाँ ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अभी है ना ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है? आपने सोचा छत पे गिर गया खत्म कहानी, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर एक और हवा का झोंका आएगा, है ना, आया, और इस पे नेचर की, नेचुरल पावर की एक स्पेशल कृपा होगी, है ना,
तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, होगा क्या, और भाई ये उड़ा उड़ते 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 यहां गिर गया, यहां पे पहुंच गया। क्या अब ये ग्रो करेगा बच्चों? इसको एक चांस मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है कि अगर बाय चांस कुछ टाइम के लिए किसी अनफेवरेबल कंडीशन में भी चला जाए तो इसको न्यूट्रिशन कॉन्टिन्यूसली वो प्रोवाइड करता रहता है, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर जाएगा। और फिर अगर अगेन कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट आए, कोई ऐसा फोर्स इसके ऊपर लगे और ये फेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाए, तो उसके बाद ये ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां गिर गया उसके बाद कंडीशन खत्म, इसके पास एक दो दिन का फूड होता है ना, तो ये क्या करेगा, इट विल वेट। अब इस बेचारे के हाथ पैर तो है नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, इट विल वेट कि भाई मैं वेट कर लेता हूं, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा, कोई हवा आई, पानी आया, ऑर्गेनिज्म आया, और उसकी हेल्प से अगर ये बाय चांस कहीं फेवरेबल जगह पे पहुंच जाता है तो इट विल ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। इज इट ओके? अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, अब सुनिएगा जरा ध्यान, तो समझ में आएगा आपको। द ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, बिकॉज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम। अगर वो बाय चांस किसी अनफेवरेबल कंडीशन पे आ जाए, ये अनफेवरेबल कंडीशन बोल रहे हैं हम, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन पे आ जाता है तो इसके पास एक कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है कुछ देर के लिए। फिर क्या होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस they come into contact with suitable moist surface and begins to grow. उसके बाद ये अगर कुछ टाइम के बाद ये फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है तो इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। जो कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करके रखती है उसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट, कवर्ड बाय थिक वॉल। ये जो थिक वॉल होती है ना बच्चों, इसको बोला जाता है सिस्ट, ठीक है। सिस्ट जो होती है वो कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये बेनिफिट है स्पोर फॉर्मेशन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि बाय चांस अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं तो उनको एक और चांस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग आपको यही लिखनी है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए जरा। सर दूसरे मेथड में ऐसा नहीं होता? दूसरे मेथड में ऐसा नहीं होता ये पूछ रहे हैं। देखिए दूसरे मेथड का बात मैं कर रहा हूं, उनको तो एक ही चांस मिलता है। इसने कहा कि यहां पे एक देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने कहा सर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो, आपने ये नहीं पूछा। आपको बताऊं मिलियंस ऑफ स्पोर्स स्प्रेड करते हैं जिसमें से 0.1% को फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना। मिलियंस में से अगर मैं कहूं मिलियंस में से सिर्फ 100 को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी और वही ग्रो कर पाएंगे, है ना, ये तो पूरे फैल जाते हैं। अभी थोड़ी सभी मॉइस्ट लैंड पे जाके गिरेंगे, सबको वार्म कंडीशन मिलेगी, है ना। तो कहने का मोटिव ये है, बाकी लोग तो जैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो रिप्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, भाई फिजन होना है तो होगा ही होगा, 100% है। फ्रेगमेंटेशन होना है तो होगा ही होगा, बर्ड्स अगर बन गई है तो बडिंग तो होगी होगी, है ना। वो बाय चांस एक अलग बात है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 99.9% चांस है कि वो काम तो होगा ही होगा। लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि ये एयर में स्प्रेड होने के बाद 100% सारे ग्रो करेंगे ही करेंगे, इसमें से 0.01 के चांसेस हैं। और उसमें से एक पॉसिबिलिटी किसी बच्चे ने पूछी, इफ इट फॉल्स ऑन सम रोड या कोई कॉन्क्रीट के सरफेस पे गिर जाता तो क्या होगा सर, तो उसका आंसर है, ठीक है। इज दैट ओके? इतना क्लियर yes. सर उसके आउटर कवरिंग का नेम क्या था, एक बार बता दो। सिस्ट, CYST, CYST। आउटर कवरिंग पता लगा, बेनिफिट क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट स्टार, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे चलें, स्पोर फॉर्मेशन
कैसे होता है, सारी पिक्चर क्लियर हो गई आपको? स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन में किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है पहले तो ये याद करना है, फिर आपको पढ़ना है कि फंगल हाइफा से स्टेम डेवलप होती है, स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर रिपीटेड न्यूक्लियस डिवाइड होता है और जब वो पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है तो वो स्पोर के जो उसका बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स फ्लाइज इन एयर और जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट कर जाते हैं एज अ न्यू प्लांट। इज इट ओके, इतना क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको? इज इट ओके, इतना क्लियर है? हाँ जी, आगे चलें। रोहित शर्मा, क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? आज मैंने बडिंग और आपको फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया है, अब हमारा बड़ा ही अमेजिंग सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? जयंत नोट कर लिया? चार्वी, हैव यू नोटेड डाउन द क्वेश्चन? चलिए अब आ जाइए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम बात करें तो मैं आपको बताता हूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम से ही पता लग रहा है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम्स रूट्स और लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं है और ये प्लांट्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव का मतलब प्लांट से रिलेटेड है, है ना? तो सिर्फ प्लांट्स में होगा और किससे होगा? पार्ट्स ऑफ द ओल्ड जो प्लांट है ना उनके ही पार्ट से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, है ना? मैं आपको बता दूं इन सम प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नेचुरल। कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल है। आपने वो देखा है ब्रायोफाइलम का लीफ? हाँ जी, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम बताएं आपको कैसा होता है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम? सर उसके चारों तरफ बर्ड्स होते हैं। हाँ जी, नॉचेस, नॉचेस बोलते हैं उसको। गलत लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, लीफ आएगा। चलिए देखते हैं कुछ दिखा देगा तो। नॉचेस बोलते हैं बेटा बर्ड्स। ये देखो ये है ना, इसके अंदर क्या होता है ये दिख रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से, ये नॉचेस हैं, ये बर्ड्स लाइक, ये जैसे ही फुली मैच्योर हो जाएंगे ये नीचे गिरेगा। अगर इसको ये नीचे गिरता है या आपने उतार के इसको और जमीन में लगा दिया, इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। नॉचेस हैं ये इसके अंदर, इसके लीफ के बाउंड्री पे, आउटर बाउंड्री पे ये डेवलप होते हैं यहाँ पे लीफ के। ठीक है, इज इट ओके? ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल होता है, सीड से नहीं ग्रो कर रहा है, विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किससे ग्रो कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग प्लांट के पार्ट से, चाहे वो रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है या लीफ हो सकती है। इज इट ओके? इतना क्लियर है बच्चों? हाँ जी, ब्रायोफाइलम देख लिया आपने, उसको छोटा करके साइड में लगा देता हूं, जब पीडीएफ आएगा तो उसमें इजिली दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं ब्रायोफाइलम में होता है और किसमें होता है बता सकते हो? सर ये कौन से वेजिटेटिव पार्ट से होता है? लीफ से? लीफ से हो सकता है, रूट से हो सकता है भाई, स्टेम से हो सकता है, पोटैटो में स्टेम होता है, है ना? ब्रायोफाइलम लीफ से हो सकता है। इज इट ओके? सर जिंजर आशीष, जिंजर में भी होगा, टर्मरिक में भी होगा, जिंजर टर्मरिक है ना? अब हम बता रहे हैं कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो नेचुरल होता है, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पे चलिए पोटैटो के बारे में और पढ़ लेते हैं, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, है ना? पोटैटो के बारे में आपने पढ़ा होगा, व्हाट विल हैपन? अरे एक सेकंड, इसका सिस्टम ही कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, पोटैटो का डायग्राम ले आता हूं, उसे समझाता हूं। पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो की स्पेलिंग सही है? पोटैटो। हाँ जी, देखिए जरा ऐसे बर्ड्स आपने कई बार घर में रखे रखे पुराना आलू हो जाता है, निकल जाता है ना? ट्यूबर्स,
इनको काट काट के ना किसान लोग क्या करते हैं, इनको कटिंग करके और जमीन में लगा दिया, ट्यूबर्स है, इसको ट्यूबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ट्यूबर्स, ठीक है, ट्यूबर्स बोला जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, तो इन ट्यूबर्स के थ्रू क्या होता है, पोटैटो जो है वो ग्रो करता है इन ट्यूबर्स के थ्रू, है ना। ये रहा ट्यूबर्स, देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है कुछ साफ साफ, ठीक है। सुनिए, द पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड स्टेम, यहां से क्वेश्चन आता है। एक आपका एक्सपेरिमेंट्स में भी है, पोटैटो जो है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम से होता है, पूछा जाता है मॉडिफाइड रूट्स हैं या मॉडिफाइड स्टेम है। तो पोटैटो का रिप्रोडक्शन किससे होता है बेटा? मॉडिफाइड स्टेम से, ठीक है। मैनी नॉचेस, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि बर्ड्स आ जाते हैं, बर्ड्स नहीं बोलेंगे इनको, नॉचेस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? नॉचेस। बर्ड एक अलग चीज होती है, नॉचेस होते हैं, ठीक है। कैन बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ पोटैटो, नॉचेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये रहे नॉचेस। हाँ जी भौमिक, विजिबल है भाई नॉचेस? भौमिक बाली बीबी, एम आई ऑडिबल? यस सर, विजिबल। अच्छा अच्छा, आपने टेस्ट बहुत अच्छा किया यार, साइंस का इतना अच्छा टेस्ट कैसे कर दिया आपने? कितना पढ़े थे आप हैं भाई? भौमिक तैयारी नहीं की थी क्या? चलिए अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड आईज ऑफ पोटैटो, ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो कहा जाता है इनको, ठीक है। आई ऑफ पोटैटो कैन गिव राइज टू न्यू पोटैटो प्लांट, और ये आई जो होती है ना, इसको उतार के आप न्यू अगर नीचे जमीन में लगा देंगे, इट कैन गिव राइज टू अ न्यू पोटैटो प्लांट, नए पोटैटो प्लांट के लिए ये क्या कर सकती है? ये रिप्रोडक्शन कर सकती है। फार्मर यूटिलाइज दिस कैपेबिलिटी ऑफ पोटैटो टू ग्रो पोटैटो मोर क्विकली, ये फास्टर मेथड है, which is not possible by using seeds of potato, जो traditional method होता था ना seed वीड से, तो उससे ज्यादा faster method है, उससे ज्यादा quicker method होता है ये। अगर आप traditional method से करोगे ना तो around 15 months लेता है ना। अभी आपको एक question पूछा जाएगा कि vegetative propagation का advantage क्या है, तो हम ये बताएंगे quicker method होता है, faster method होता है, ठीक है। तो अभी आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जैसे पोटैटो में हो सकता है, ब्रायोफाइलम में हो सकता है, यहां लिख देते हैं ब्रायोफाइलम, ब्रायो ब्रायोफाइलम लीव, ठीक है, ब्रायोफाइलम लीव। चलिए इसके बाद अजी मॉडिफाइड रूट्स, कैरेट वगैरह तो आजकल चल रही है, कैरेट स्वीट पोटैटो है ना, गाजर और कैरेट रेडिश, ये सब जो है ये एग्जांपल है मॉडिफाइड रूट्स के, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के एग्जांपल है, ठीक है। व्हेन दे कैप्ट अंडर द सॉइल दीज रूट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन दे कैप्ट अंडर द सॉइल। जिंजर एंड टर्मरिक, अच्छा टर्मरिक देखिए हल्दी ऐसे होती है, ये जिंजर और टर्मरिक, ठीक है। ये देखने में तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि क्या ये जिंजर टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये इसको बोलते हैं सूखी नहीं है अभी, हल्दी सूखी नहीं है, दैट्स वाई ऐसा नजर आ रहा है आपको, इसी टाइप की होती है, अदरक जैसी नजर आती है कई बार, है ना। ये देखो, ये देखिए टर्मरिक, ठीक है, ये सूख जाता है, उसके बाद फिर ये येल्लो टाइप हो जाती है, फिर इसका पाउडर बना लिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये किसके थ्रू? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स। अच्छा पोटैटो किसका एग्जाम्पल था? मॉडिफाइड स्टेम का, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जिंजर और मैंने आपको बता दिया टर्मरिक का ये एग्जाम्पल है। तो मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम्स फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है जी। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है यार कि मॉडिफाइड रूट्स होती हैं ये, और दे ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा कोई वहां पे देखो उस रूम में कौन है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है राइजोम्स ऑफ जिंजर, एक वर्ड यूज हुआ है यहां पे राइजोम्स ऑफ जिंजर, राइजोम्स, राइजोम्स ऑफ जिंजर, राइजोम्स ऑफ जिंजर। ये क्या होते हैं राइजोम्स ऑफ जिंजर या टर्मरिक, ठीक है ना, उधर ही बैठ पढ़ लो। तो मैं आपको बता देता हूं राइजोम्स ऑफ जिंजर क्या होता है। हाँ देखिए, राइजोम्स आर
एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज. सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा व्हाट आर राइजोम्स. क्वेश्चन लिखिएगा पहला व्हाट आर राइजोम्स. राइजोम्स क्या होते हैं. व्हाट आर जैन क्वेश्चन लिखो बेटा. व्हाट आर राइजोम्स. Give examples of species reproducing through modified stem एंड रूट्स. तो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो और मॉडिफाइड रूट्स का एग्जाम्पल है कैरेट स्वीट पोटैटो. ठीक है इज दैट क्लियर. समझ रहे हैं. कल मैथ्स की क्लास ले रहे हैं क्या सर आपकी. हाँ जी सर पता नहीं बताएं पता. अच्छा चलिए तो मैं यार लेना चाहता हूँ जरा क्योंकि हम फिर इसको कंप्लीट करके ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे. अगर आप कल मेरा सपोर्ट करते हैं आप लोग के कल सर हम क्लास ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए है ना. तो कल संडे आपको पढ़ने में मजा आएगा. काम कल चेक नहीं करूंगा काम तो परसों ही चेक करूंगा. तो ये बेनिफिट आपको दे देंगे जैसे स्पोर्ट्स को बेनिफिट मिलता है ऐसे आपको बेनिफिट दे देंगे. ठीक है हाँ तो मैं आपको राइजोम्स बता रहा था. राइजोम्स क्या होते हैं. मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स फॉर फूड स्टोरेज. मतलब ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जिनके पास फूड होता है. तो ये फूड के थ्रू क्या करती है. फूड अपने पार्ट को प्रोवाइड करती है और पार्ट ग्रो करता है. एक कैरेट लगाओ और उससे बहुत सारे कैरेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं है ना. ऐसा ही कुछ होता है ना. एक पोटैटो लगाया आपने बहुत सारे पोटैटो डेवलप हो गए ऐसा ही होता है ना. तो क्या होगा. दीज कंटेन्स. अब इनके अंदर क्या होता है. स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चर है यहाँ पे. ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चर ठीक है हाँ स्ट्रक्चर है ये. दीज कंटेन्स क्या कर रहा है. दीज कंटेन्स नोड्स इंटरनोड्स एंड स्केली लीव्स. स्केली स्केल्स होते हैं इनके लीव्स के ऊपर. आपको ऐसे कभी देखना कैरेट का आजकल घर में आती है रेडिश है ना. तो उनके लीव्स को ध्यान से देखना उनके ऊपर स्केल्स उनके ऊपर लाइंस ही नजर आएंगी आपको है ना. स्केली लीव्स नोड्स इंटरनोड्स होती है. स्ट्रक्चर बताया गया है ये आपको स्ट्रक्चर बताया. नोड्स होते हैं इंटरनोड्स होते हैं और स्केली लीव्स होती है. व्हेन बरेड अंडर द सॉइल राइजोम्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. राइजोम्स नया प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है ये जो राइजोम्स है आप देख रहे हैं इस राइजोम से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. भाई ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. ये अंदर डाला इसको ये पूरा नया प्लांट डेवलप हो गया है ना. देख रहे हैं आप. ठीक है तो बच्चों ये तो थी कहानी राइजोम्स की. तो राइजोम्स के बारे में प्लीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज क्या होता है. मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज प्लीज इसको याद रखिएगा आगे बहुत काम आएगा. और अब लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम की कहानी तो आपको पता ही है ना. Leaf of bryophyllum notches on the margin. If leaf is put under the soil, वो notches उतारिए और soil के अंदर लगाइए. नया bryophyllum plant कुछ दिनों में आपको ready मिलेगा. Is it okay? इतना clear है बच्चों? अमन स्वामी clear है भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है. तो आप जरा ये सब समझ गए होंगे. तो मैंने आज आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अभी मैंने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया आपको. अभी हम आर्टिफिशियल पे नहीं पहुंचे हैं. अब लोगों ने सोचा है जब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जिनमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बताया गया. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा है आपने कहीं अपने आसपास देखा कहीं आप लोगों ने. मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से बताएं भाई और बहनों कहीं देखा है आपने. हां जी हैव यू सीन एनीवेयर सर क्रॉस ब्रीडिंग रोज की. क्या बोला कुछ यार बहुत खतरनाक सा नाम लिया आपने बताएं सर रोजेस में जो. हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने. देखिए आपने अपने स्कूल में देखा होगा. मैंने अपने स्कूल में ऑब्जर्व किया था इस चीज को. माली अंकल लगे हुए थे मैंने उन्होंने क्या किया उसकी कटिंग कर रहे थे. तो भाई सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते थे हम स्कूल में सबसे पहले जाने वाले बच्चों में से थे. स्कूल 8 बजे लगता था हम 7 बजे पहुंच जाते थे. तो माली ही मिलता था हमें सबसे पहले वहां पे गार्ड के अलावा. तो वहां वो माली अंकल जो ना कटिंग कैंची लेके लग रहे थे. मेरे दिमाग में आया कैंची लेके क्या कर रहा है इसके साथ. मैं गया वहां पे मैंने कहा भाई व्हाट आर यू डूइंग. तो उन्होंने कहा इसकी कलम बना रहा हूं.
मैंने कहा भाई पता नहीं कलम वो लिखने वाली कलम बना रहा होगा। तो फिर मैंने बहुत देर तक देखा उनको, तो वो ऐसे कटिंग कर लेते हैं, आप देख रहे हैं, देखो कट कर दिया इसको, है ना। डे वन पे ये देखो, डे वन की कटिंग है ये, यहां पे देखो ऐसे ऐसे कटिंग की उन्होंने इसकी, ये कटिंग कर दी कैंची से, ये डे वन की कटिंग है, कटिंग किया इसको और ये डे वन की कटिंग है, और इसको ऐसे लगा दिया दिस पॉट में, और आप देखिए आफ्टर 20 डेज इसमें लीफ भी ग्रो हो गया, इसमें सारी चीजें ग्रो हो गई। यानी कि रोज के अंदर एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ये सबके अंदर नहीं होती है। जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट नहीं कर पाते ना, ऐसे सब में कटिंग फेवर नहीं करेगा, रोज के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है। इसको लगा दीजिए आप, कुछ टाइम के बाद उसको सॉइल से न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये लीव्स वगैरह इसके डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे और एक नया रोज प्लांट आपको मिल जाएगा। तो यहां पे अब मैं, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लोगों को दिमाग में आया अगर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता आर्टिफिशियल? हाँ बेटा बोलिए सर। लेकिन आर्टिफिशियल में फिर कुछ ना कुछ तो वो होंगे ना डिसएडवांटेजेस, जैसे नेचुरल में फायदे होंगे और आर्टिफिशियल। देखिए जिसमें जिसमें नुकसान होगा वो वाला हम करेंगे नहीं, हमने तो बस वही लिए जिनमें बेनिफिट हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान तो है ही नहीं भाई। हम ऐसी टेक्निक क्यों डेवलप करेंगे जिसका हमें नुकसान हो, है ना, और जो जरूरी तो है नहीं कि। तो इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में बस ये है कि वेरिएशन ज्यादा नहीं आती है, आप नई नई स्पीशीज डेवलप नहीं कर सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है, है ना। जब आप जेनेटिक्स के लेवल पे जाके सोचेंगे, अदरवाइज कितना अच्छा है ना, बीज लाना है ना कुछ और लाना है, एक स्टेम काटी और नया रोज प्लांट, उसकी स्टेम काटी नया रोज प्लांट, 100 रोज के पॉट्स बना लोगे आप, तो इसमें क्या नुकसान वाली बात हुई। लेकिन हाँ एक चीज है, वेरिएशन नहीं आ पाएंगी इसके अंदर, है ना। नए नए रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नई नई स्पीशीज डेवलप होती है ना, आपने देखो ना, रेड रोज होता है, पिंक रोज होता है, येलो रोज होता है, ऐसे रोज होते हैं, है ना, तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं जब नेचुरली रिप्रोड्यूस करता रहता है वो। यहां से तो क्या होगा, यहां से वेरिएशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, अदरवाइज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तो एडवांटेज ही ज्यादा होते हैं आपके। ठीक है बेटा, इज इट ओके? यस सर। हां तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो क्या होता है बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तीन मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले कटिंग बता रहा हूं मैं आपको। कटिंग में क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। द प्लांट्स लाइक रोज, ग्रेप्स, बनानास, कैक्टस कैन ग्रोन बाय दिस मींस ऑफ कटिंग। ठीक है, बनाना भी ऐसे ही लगता है, रोज भी, ग्रेप्स भी, सब कटिंग से लगते हैं। मतलब अगर सीड से लगाओगे ना तो दे विल टेक बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, इट इज क्विकर मेथड, ये इसका एडवांटेज है और जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और बनाना तो सीडलेस प्लांट होते हैं, है ना, कुछ सीडलेस प्लांट है, तो उनको कैसे रिप्रोड्यूस करें, तो उनको रिप्रोड्यूस करने के यही मेथड्स आपको बताए जाए। ठीक है, कटिंग प्लीज क्लियर हो गया, कटिंग आपको क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग बता दूं, इसके बाद दो मिनट और लूंगा, बस लेयरिंग बता देता हूं आपको। कटिंग सेकेंड मेथड इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है सुनिएगा, बी बी पार्ट है लेयरिंग। लेयरिंग एक और, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, तीन आर्टिफिशियल मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं, इनका डेफिनेशन और एग्जांपल जरूर याद रखेंगे आप। आज लेयरिंग हो पाएगी, ग्राफ्टिंग नहीं हो पाएगी। लेयरिंग में क्या हो रहा है देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बेटा बोलिए, कोई बोलना चाहता है कुछ? सर मेरे को एक स्कूल से असाइनमेंट मिला था, तो उसके अंदर हमें बोला था कि एक माइक्रो प्रोपगेशन, तो हाँ बिल्कुल, हाँ माइक्रो प्रोपगेशन तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है, बताएंगे सर वो आपको अभी। इसके बाद भी लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग खत्म हो जाएगा ना, जब माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर कहा जाता है उसको, है ना, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। नोट्स आप पढ़ेंगे तो इसके बाद वाला टॉपिक है, मैं दिखा देता हूं अभी, मैं दिखा देता हूं, यहां पे मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, ये रहा टिश्यू कल्चर, इसको माइक्रो प्रोपगेशन ही कहा जाता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर ये माइक्रो प्रोपगेशन है आपका, इसको ही माइक्रो प्रोपगेशन भी कह दे तो उसके कुछ प्रोसेस में तो डिफरेंस होता होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। माइक्रो प्रोपगेशन से आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, एनी प्लांट, माइक्रो प्रोपगेशन से सीडलेस, सीड वाले कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से ही आप करा पाएंगे, वो सिर्फ लिमिटेड प्लांट्स में होता है। सपोज आपको करना है कि भाई मुझे है ना वो लगाना है, क्या करना है भाई, मोदी जी आने वाले हैं गुड़गांव में, अभी आपको पता लगा कि 20 दिन बाद मोदी जी का विजिट है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आप जो है वो सारे प्लांट प्लांट के देख, आपके पास इंचार्ज है कि भाई आप इंचार्ज है कि सारे ना प्लांट्स लगाने रोड के चारों तरफ, तो आपको ऑर्डर किया 10 लाख पेड़ लगाने हैं, आपको 10 लाख पेड़ लगाने मनी प्लांट के। अब भाई 10 लाख पेड़ मनी प्लांट के कहां से लाओगे, पूरे हरियाणा से भी ले लोगे तो भी 10 लाख प्लांट नहीं होंगे। फिर आप कॉल करोगे हेलो हेलो माइक्रो प्रोपगेशन वालों को, है ना, उनको कहोगे यार एक काम करो कि मुझे 10 लाख ऑर्नामेंटल प्लांट्स चाहिए। वो कहेंगे जी पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, आपने कोई बात नहीं भी पैसे लगने दो, लेकिन जो है ना मुझे 10 लाख प्लांट चाहिए। तो जहां स्पेस कम होता है ना, अब इतने सारे प्लांट लगाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए आपको, तो स्पेस कम आपको चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से जो प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर चलती है वो एक अपना सिस्टम बनाते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है उसका, टेम्परेचर प्रेशर कौन से हार्मोन डालने हैं वो सब मेंटेन करके, और वो छोटे 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 सैपलिंग डेवलप कर लेंगे, छोटे छोटे सैपलिंग प्लांट्स, सैपलिंग का मतलब छोटे छोटे प्लांट, और फिर उन प्लांट्स को आपको दे दिया जाएगा भाई जहां पे लगाना है वहां लगा दो, और फिर वो धीरे धीरे 20 दिन के अंदर ग्रो कर जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, इज दैट क्लियर? वो होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, जिससे आप कोई भी प्लांट लगा सकते हो, एनी प्लांट, ठीक है, बस उसके हॉर्मोन्स, पूरा साइंटिफिक सिस्टम होता है, कितने हॉर्मोन्स होंगे, कितना प्रेशर होगा, कितना टेम्परेचर होगा, सब कंट्रोल कर सकते हो आप उस मेथड के अंदर। बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है उसके अंदर, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब चलिए चलते हैं इसमें, तो मैंने क्या किया, मैंने लेयरिंग के बारे में बताया आपको, लेयरिंग क्या होता है सुनिएगा जरा ध्यान से, लेयरिंग, लेयरिंग का डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेयरिंग का डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ लेयरिंग का डायग्राम, बहुत ही सिंपल मेथड है ये, सबसे अच्छा लगा मुझे इसमें, कटिंग वटिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है आपका। लेयरिंग को दिखा देते हैं आपको, लेयरिंग में होता क्या है। अच्छा भाई लेयरिंग में क्या करते हैं, प्लांट है एक, इसका एक पार्ट लिया आपने, इसका एक पार्ट लेके और उसको क्या किया, सॉइल में ग्रो कर दिया और ऐसे बाहर से छोड़ दिया, है ना। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसको यहां से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, कुछ टाइम के बाद ये पूरा बड़ा प्लांट डेवलप कर जाएगा और इसको यहां से कट कर देंगे, इसकी यहां से कटिंग कर देंगे, इसका कनेक्शन यहां से काट देंगे, ये अलग प्लांट हो गया और ये अलग प्लांट हो गया। दिस इज समथिंग नोन एज लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग होती है, इसको सिंपल लेयरिंग कहा जाता है। और ये है माउंड लेयरिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये देखिए, ये इसको ये एक दो तीन, मतलब मेजर रूट एक ही है और उसकी सब रूट्स डेवलप हो गई यहां पे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपल लेयरिंग है बस, ठीक है। तो लेयरिंग का समझ गए, एक पार्ट को सॉइल के अंदर डाला और फिर ऊपर ऐसे निकाल दिया, ये हवा में, एयर में होना चाहिए ये वाला पार्ट, ये एयर में होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद रूट्स डेवलप होने लग जाएंगी, यहां पे रूट्स डेवलप होने लग जाएंगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है जी। तो जब रूट्स डेवलप होने लगेंगी तो इसको न्यूट्रिशन अपनी रूट से मिलेगा, पहले ये यहां से ले रहा था, बोरो कर रहा था, यहां से उधार ले रहा था बेचारा, और अब यहां से इसको अपनी मिलने लग जाएंगी, जब अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो दूसरे को कट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए तो सुन लेते हैं, मैं लेयरिंग का एक्सप्लेन कर देता हूं आपको वर्ड्स में, क्या कहता है लेयरिंग। हाँ जी, लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हाँ, इन दिस मेथड, In this method, branch of plant is put towards the ground and part is covered with a moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. Ground के ऊपर रहनी चाहिए tip और कुछ part जो है moist soil में चला जाना चाहिए। After some time, कुछ समय के बाद, after some time, new roots वहां से develop होती है जो part जो है soil में buried है। The branch is then cut off from the parent plant. अब इसकी cutting कर देते हैं यहां से। The part of the branch which has developed the roots to become new plant, और जो ये वाला है ये नया प्लांट बन जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जैस्मिन, चमेली, चमेली का तेल सुना है ना आपने, है ना, फूल भी होता है जैस्मिन फ्लावर, बहुत अच्छे होते हैं।
जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आपने खाया होगा, रास्पबेरी, कहें तो फोटो दिखा देता हूं सबके, रास्पबेरी, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है, देखिए डेफिनेशन करना है आपको और एग्जाम्पल करना है, ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको। तो एक ग्राफ्टिंग रह गया, ग्राफ्टिंग थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है, तो उसको जरा ध्यान से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास के बारे में आप मुझे बता दें जरा कि कल सर हम क्लास किस टाइम ले सकते हैं।